सभी से निवेदन है शांतिपूर्ण ढंग से युद्ध का आनंद ले रहे, बच्चों को और महिलाओं को जाली के साथ इंगोट से गंभीर चोट लग सकती है, इसीलिए सावधानी बरते। मैदान में जाते हुए दोनों योद्धाओं का तय दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये दीपावली के दूसरे दिन पड़वा को, धोक पड़वा को हिंगोट युद्ध मनाया जाता है। जो इस पिछली बार 2 एम्बुलेंस थी, इस बार 4 एम्बुलेंस बुलाई है, और पिछली बार 175 के करीब फोर्स था, इस बार 250 करीब हमने पुलिस बल बुलवाया है और चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था लगा रखी है। आदरणीय हमारे सालू भाई, ये सभी योद्धा मर्यादा में एक लड़ने को आगे बढ़ाते हुए अब जैसे जैसे हमारा अभी पीछे ले ले, अभी संजय जी पीछे ले ले, अभी योद्धाओं को थोड़ा पीछे ले ले, प्लीज मैदान में जरा आप लोग यार छोटे बच्चों को भैया ध्यान रखना, आपसे काफी छोटे बच्चों को इस गाली में दूरी पाटीदार अपनी पूरी टीम के साथ मैदान अरे बहुत बढ़िया पाटीदार बहुत बढ़िया बाकी अपनी टीम में पीछे क्या बात है, बहुत बढ़िया से खेलते हैं, कोई डर नहीं, हमारा कोई टेंशन नहीं है सर। बहुत टाइम लगता है इंगोट लाने में, जंगल से लाते हैं, छोड़ते हैं, साफ करते हैं, फिर बारूद बनाते हैं, बारूद भरते हैं, इसके बाद तैयार होता है सर। एक इंगोट 25 बार हाथ में आता है जब जाके कंप्लीट होता है सर। बढ़िया हाँ ना बिल्कुल बिल्कुल और हमेशा ही अनुशासन है और स्वागत।